हेलो फ्रेंड्स, जय कवि अंकिता में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े कुछ ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके बनाने के लिए सबसे पहले आलू का मसाला बनाएंगे। तो मसाले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, थोड़ी सी मेथी के पत्ते को बारीक कट कर लिया है, 2 छोटी हरी मिर्ची ली है जिसे बारीक बारीक कट कर लेंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती लिए हैं, यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे प्याज लिए जिसे एकदम बारीक चॉप कर लिए हैं। तो चलिए अब हम मसाले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ली है, इसे हम गर्म कर लेंगे। इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे मैंने सोयाबीन ऑयल डाला है, आप यहाँ पे कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सरसों, दोनों को अच्छे से तड़का लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने बारीक कट करके प्याज रखे थे वो ऐड कर लेंगे, हरी मिर्च उसे भी ऐड कर देंगे। अब हमें प्याज को ब्राउन होते तक अच्छे से पका लेना है। तो मिलते हैं प्याज को ब्राउन होने के बाद। आप देख सकते हैं हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें फ्रोजन वाले हरे मटर डालेंगे। अगर आपके पास हरे मटर हैं तो आप उसे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो बारीक कटी हुई मेथी के पत्ते थे उसे ऐड किया है। 1 छोटे चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट को ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इसे भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। सभी को मिला करके अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से भून करके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें जो उबले हुए आलू थे उसे मैश करके ऐड कर देंगे। हमें फ्लेम को इस समय मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज नहीं रखना है, अदरवाइज हमारे मसाले जल जाएंगे। आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो कट करके धनिया पत्ती रखे थे वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को अच्छी तरह से मैश करते हुए हमें इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा आलू का मसाला बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। आलू का मसाला बन करके रेडी हो गया है। अब हम ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए एक बैटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिए हैं, आप कोई सी भी कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मीडियम थिक बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है जिससे बेसन में लम्स नहीं बनेंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है जिससे कि हमारा बैटर एकदम स्मूथ बन करके रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसके ऊपर हमें आलू का जो मसाला बनाया था उसे अच्छे से स्प्रेड करके लगा लेंगे। इसके ऊपर हम एक दूसरे ब्रेड का स्लाइस ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से हम प्रेस कर देंगे, दोनों साइड से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद एक धार वाली चाकू लेंगे या फिर आप पिज़्ज़ा कटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे इसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे स्टफिंग ब्रेड में बहुत अच्छे से लग करके रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम सारे ब्रेड में आलू की स्टफिंग भर करके रेडी कर लेंगे। आप इसे ऐसे ही सैंडविच के जैसे भी खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आज हम ब्रेड के पकौड़े बना रहे हैं, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बैटर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और थोड़े से मसाले मिला लेंगे, जैसे कि थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें मिर्ची ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सभी को मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा कि हमें बैटर को एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच खाने का सोडा ऐड किया है।
इसे डालने के बाद आपको हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेना है। इसे डालने के बाद आपको ज़्यादा देर तक फेंटना नहीं है और डालने के तुरंत बाद ही हमें गर्मा गर्म पकौड़े बनाना शुरू करना है। याद रखिएगा, जब आपको पकौड़े बनाने हों तभी आपको खाने का सोडा ऐड करना है। पकौड़ों को तलने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल डाल करके अच्छे से गरम कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि तेल को एकदम ज़्यादा गरम नहीं करना है, अदरवाइज हमारे पकौड़े पकेंगे नहीं, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने तेल को मीडियम टेम्परेचर पर गर्म करना है। चलिए अब पकौड़ों को तलना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जो यहाँ पे स्टफिंग वाले ब्रेड भर के रखे हुए हैं उसको हम बेसन में अच्छे से डिप कर लेंगे दोनों साइड से अलट पलट करके। उसके बाद जो हमारा तेल गर्म हो चुका है उसमें हम ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको ब्रेड के पकौड़े डालते समय उसके बाद उसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है। 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पकने देना है, उसके बाद ही आपको उसमें पलटना है। इसी तरह से हम बाकी भी ब्रेड के पकौड़ों को बेसन में डिप करके ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे एक ही डायरेक्शन में मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। यहाँ पे आंच को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। उसके बाद हम इसे एक साइड से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें ब्राउन होना ये शुरू हो चुका है। इसी तरह से हम सारे ब्रेड के पकौड़ों को एक साइड से पलट लेंगे। ब्रेड को पलटने के बाद इसे दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेना है। इस समय इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 2 से 3 मिनट के बाद ही आपको इसे पलटना होगा। आप देख सकते हैं कि दूसरे साइड से भी ये ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब हम इसे अलट पलट करके 2 से 3 मिनट तक और दोनों तरफ से हम इसे पका लेंगे, जिससे ये क्रिस्पी हो जाएगा। आप चाहें तो इसे इस समय निकाल करके भी जब आपको सर्व करना हो तब इसे आप दोबारा से फ्राई कर सकते हैं। मैं एक बार में ही इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड के पकौड़े एकदम क्रिस्पी बन करके रेडी हो चुके हैं। आप देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे ब्रेड के पकौड़े एकदम क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप ब्रेड पकौड़ों को टमाटर सॉस के साथ, सेजवान चटनी के साथ या फिर टमाटर की सिंपल चटनी के साथ सर्व करें। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह से मेरी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।